This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफॉर्चुनेटली घर में कुछ दिन पहले एक बड़ा सा ग्लास टूट गया। इतना बड़ा ग्लास फेंकने का मन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने और हस्बैंड ने सोच के कुछ अलग अलग हमारे घर के कॉर्नर पे हमने उस ग्लास का यूटिलाइज किया। हमने उस ग्लास से 8 छोटे छोटे सेल्फ बनाए। 3 हमने सेल्फ लगाए हमारे स्टेयरकेस एरिया पे और बाकी 5 लगाए हमारे बैल्कनी में। हमारा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज सुबह ही हस्बैंड गए थे नर्सरी पे और वहाँ से कुछ प्लांट ले आए। अब प्लांटर रखने के लिए हमारे पास कुछ स्पेस भी है, तो आज मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग पूरा लग गए प्लांटेशन में। यहाँ शाहीन को देखिए, वो केक बना रही है। एक बर्थडे पार्टी है, वो बर्थडे बॉय को ये केक गिफ्ट करेगी। ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग ये इनविटेशन में जाएंगे। बर्थडे और कहीं पे नहीं, हमारे घर की जस्ट साइड वाले घर पे ही है, तो शाहीन उसी के लिए केक बना रही है। और बर्थडे की कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे लगा दी, आप लोग बर्थडे बॉय को देखिए और उसे ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। और ये शाहीन के डोरेमोन भी रेडी। वो है हमारा बर्थडे बॉय इमोन और ये उनका मम्मी। यहाँ शाहीन बिजी बच्चों के साथ, साथ ही साथ वो निशाद को भी संभाल रही है। Try to justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels, nothing could save you now. So just let ये है next day। आज हम लोग जाएंगे एक शादी में। मेरा ये लुक कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेबी कंसीव करने के बाद मैंने कोई शादी भी अटेंड नहीं की, तो आज बहुत दिनों के बाद जाने वाली हूँ शादी में, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। शादी का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग तो घर में सोच रहे थे कि इतने सारे लोगों को एक साथ देख के पता नहीं रिशाद क्या करेगा, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना एंजॉय किया रिशाद ने। उसे तो संभालना मुश्किल हो रहा था हम लोग के लिए। बड़ा स्पेस मिल रहा था उसे, तो वो पूरा भागा दौड़ी कर रहा था वहाँ पे। यहाँ पे मैंने ब्राइड और ग्रूम के एक पिक और हम लोग के भी एक दो फोटोज लगा दिए आप लोग के लिए। आज शाहीन ने हेयर स्मूथनिंग और मैंने हेयर ट्रिमिंग करवाई। हमारे गली के पास ही एक नया पार्लर ओपन किया है। नया मतलब क्या, 5-6 मंथ हो गया होगा। मैं पहले एक दो बार जा चुकी हूँ, तो आज हम दोनों वहीं पे गए
शाहिन ने स्मूथनिंग करवा ली और मैंने बस हेयर ट्रिमिंग। पार्लर के नाम है द स्टाइल स्टूडियो। यहाँ के स्टाफ के काम काफ़ी अच्छे हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।